हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट है SSC की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ने पोस्ट फेज 9 की रिक्रूटमेंट निकाली है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन बेस पर होगी। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से करना, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। और वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बाद आपको बताया गया एक पोस्ट फेज 9 के रिक्रूटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन 14 सेप्टेम्बर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि आप 24 सेप्टेम्बर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर फीस के लिए आपको कुछ छूट दी गई है, यानी कि 3 दिन यानी कि 28 तारीख तक आप जो है इसकी फीस क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम डेट भी दी गई है, जो कि जनवरी और फरवरी में हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अगर आप जर्नल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आप फीस मात्र 100 रुपया, लेकिन दोस्तों अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 0 ही रहेगी। और दोस्तों, ये जो फीस है आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अब इसके बाद अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो आपकी उम्र का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2021 को होगा, यानी कि इस दिन आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको उम्र कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और केवल मोबाइल की सहायता से ही अपनी एज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने शुरू में बताया था, ये जो रिक्रूटमेंट है ये 10वीं बेस पर भी, 12th बेस पर भी और बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन बेस पर भी होगी। आपकी जो ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो टोटल पोस्ट है वो 3200 है, यानी कि 3200 यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। हालांकि इसकी जो पूरी डिटेल अभी से नहीं आई है तो उसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, यानी कि 3200 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, तो काफ़ी बढ़िया मौका हो सकता है आपके पास। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात करते हैं तो अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10वीं बेस पर भरते हैं तो सिंपली आपके जर्नल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो कि नॉन मोरेबल के और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे रिलेशन फिगर क्लासिफिकेशन अर्थमेटिकल नंबर सीरीज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जर्नल अवेयरनेस आता है, जर्नल अवेयरनेस यानी कि GK या फिर GS या फिर हिस्ट्री कल्चर है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक, इन सब से मिलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो करंट अफेयर 200 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए, अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे नंबर सिस्टम और इसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, दोस्तों इनसे सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपसे सिनोनियम, एंटोनियम, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर होगा, यानी कि 10वीं बेस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जर्नल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया, जैसे फिगरल एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, जर्नल अवेयरनेस लगभग सेम ही रहेगी। इसके बाद अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं यानी मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर आपका एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंचुरेशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, ये कुछ टॉपिक जो आपके जुट जाएंगे। और दोस्तों, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनसे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों ग्रेजुएशन और अबव लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया। अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सिंपली दोस्तों आपका सिमेट्रिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद फिगर पैटर्न, फोल्डिंग, कंप्लीटेशन, एड्रेस मैचिंग, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में हालांकि दोस्तों लगभग सेम सा ही रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इसके बाद अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आपके स्क्वायर रूट से, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन और इस तरह से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऊपर जो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सियोरिस्टिक होनी चाहिए, आपके फोटो साइन आईडी प्रूफ जो स्कैन होकर अपलोड होंगे। और दोस्तों, जब तक आप फीस कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा और फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्रिंटआउट ले लेना है। तो दोस्तों, यदि पूरी जानकारी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप
इसे अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।